मॉर्निंग में निकले और आदित्य भाई ने हमें ग्वालियर की सबसे फेमस मिठाई की दुकान पे बहादुर स्वीट से ग्वालियर की सबसे पुरानी और सबसे फेमस दुकान है। और मैं ये कह रहा हूँ कभी भी कोई भी आए यहाँ पे तो ज़रूर यहाँ पे मिठाई खाना, और हमने पैक करा लिया। तो आपको ये लग रहा होगा ये मिठाई फेमस तो हर जगह होती है, क्या खास बात है यहाँ की, तो आपको बता देता हूँ जो भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी यहाँ आके बहादुर साहब की मिठाइयाँ खाते थे। तो अब वो हल्की स्टोरी नहीं है इसकी, दुकान में ना बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। तो ये है वो बहादुर जी के लड्डू, और ये इसी खास बात यह है कि जैसे जैसे हम खाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली मेल्ट होके अपने आप ही नीचे चले जाते हैं। बहुत लाजवाब लड्डू हैं, मैंने ऐसे लड्डू कभी नहीं खाया। मैं ले रहा हूँ और सब्जी है, और सर्विंग स्टाइल बहुत ही यूनिक है यार, हमारे दिल्ली में तो नहीं मिलता और बहुत फेमस भी है। तो मेरे को यहाँ पे लेके आए हैं श्री राम, ये जगह है, जगह है शिंदे की छावनी, यहाँ पे रहते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उनकी लाइब्रेरी भी धरी है, काफ़ी फेमस जगह है। तो आपको मैं बता देता हूँ ग्वालियर में बहुत बड़ा इतिहास है, ग्वालियर खुद में एक इतिहास का पन्ना है, पन्ना नहीं कहूँगा, एक खुद में बहुत बड़ी किताब है। फोर्ट में ये किला, आपको जैसे कि बताया था कि भारत में तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा किला, और सबसे बड़ी जो खास बात है ना यहाँ का व्यू एंट्रेंस पे ही है, पूरा ग्वालियर शहर दिखता है इस किले से। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, ये फ्रंट एरिया है इसका, ये पहले किला है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, मुझे हिस्ट्री तो पता नहीं है इतनी कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, बट अभी कुछ मेरे भाई हैं आदित्य भाई हैं और ये सब मेरे को बताएंगे यहाँ के बारे में। यहाँ पे लुक्का छुपी मूवी की भी शूटिंग हुई थी, अगर आपने गाना सुना होगा, क्या नाम था भाई सर, दुनिया गाना था, उन्होंने भाई बता रहे दुनिया एक सॉन्ग है लुक्का छुपी में कार्तिक आर्यन का, तो यहाँ पे उसकी शूटिंग भी हुई थी। और रात को यहाँ पे लाइट शो होता है, बट कोरोना के टाइम पे यहाँ पे लाइट शो बंद हो रखा है, जिसकी वजह से आपको मैं वो दिखा नहीं पाऊंगा, अल्टीमेट व्यू नहीं है कि मैं आपको दिखाता रहूँगा, और थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, इस किले के बारे में ज़रूर पढ़ना और शायद आपको पसंद भी आएगा, क्योंकि यार मेरे को ऐसा लगता है कि जितना आप अपना इतिहास और अपनी हिस्ट्री को पढ़ोगे ना, तो आपकी नॉलेज और आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चलेंगी कि शायद आप ये सोच भी नहीं सकते आज के टाइम पे कि ऐसा भी होता था, ऐसा भी होता था, वैसा भी होता था। तो ये ऐसे वैसे वाली कहानी आपको इन जगहों पे सुनने को मिलेंगी। ये थोड़ा सा पढ़ लेना आप लोग, आपको समझ आ जाएगा। और ये जो पूरा एरिया है ना सामने, देखो ये जो दो वाला एरिया है, तो पूरा ज़बरदस्त है, मतलब इनके बारे में, इनका भी एक इतिहास है, वो मैं बार बार देखे जा रहा हूँ यहाँ पे, तो देख के पता चल रहा है कि ये यहाँ इतिहास रचने की जितनी इन्होंने कोशिश करी है शायद इस एक घंटे सवा घंटे के अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई और कर सकता है। यार इसमें से अभी मैं एक रास्ता है यहाँ पे अंदर की तरफ जा रहा है, और ये शायद अंदर दिखेगा नहीं, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ से गया वापस घूम के ही आपको लगेगा कि आप सेम उसी जगह पे आ चुके हो, तो बड़ी अलग सी बात है यार यहाँ के बारे में। अब बता देता हूँ आपको, ये सेन, सूरत सेन जी, उन्होंने ये किला बनवाया था, काफ़ी समय हो गया इसको, 500 साल पुरानी बातें हैं ये। और यहाँ पे ऐसे ऐसे पत्थर लगे हुए हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं शायद जो अभी तक और इतिहासों में और किलों में नहीं है। और यहाँ पे दो भूल भुलैया फेमस है पूरे इंडिया में, जो कि एक आमेर फोर्ट में है और एक यहाँ पे, इतनी बड़ी और इतनी ज़बरदस्त जो भूल भुलैया शायद और कहीं नहीं है। और रानी लक्ष्मीबाई जी ने भी यहाँ से छलांग मारी थी, उनका भी एक इतिहास है, उन रानी का भी एक इतिहास है, जो गुजरी महल है, कुछ महल उनके नाम पर बनवाए गए हैं। तो ये महल इतना बड़ा है कि शायद यहाँ पे एक दिन में कवर नहीं हो पाता, बट बेसिकली बात यह है कि यहाँ पे ना ये पूरा किला बंद कर रखा है कोविड-19 वजह से, तो थोड़ा सा पार्ट खुल रखा था, वो जी जो मैंने आपको राज मंदिर जो आपको दिखाया है बस वो पार्ट था, और थोड़ा सा पार्ट था, बट यही सारी चीज़ें और लाइट्स को देख नहीं पाए। तो दुनिया में हर एक इंसान, हर एक घर में एक दिक्कतें चलती रहती हैं, और वो दिक्कत का आपको नाम बता देता हूँ, सास बहू, जो एक बहू सास से परेशान है, सास बहू से परेशान है। तो सोचो ये कितना बड़ा एक दर्जा होता है जो नसीब से मिलता है लोगों को, थोड़ा सा ज्ञानी वाली बातें भी कर देता हूँ और समझ सकता हूँ। तो
तो ये आप सामने मंदिर देख रहे हो, बहुत बड़ा मंदिर। इस मंदिर का नाम है सास बहू। सोचो जब सास बहू के नाम पे मंदिर बन सकते हैं तो बाबू लड़ाई की क्या ज़रूरत है, घर में काम करने की क्या दिक्कत है। बहुत सारी कंप्लेंट होती है कि बहू काम नहीं करती, सास डांटती रहती है, सास ये करती है वो करती है, तो यार इससे ऊपर अब नहीं मानता, इसे अब समझ जाओ यार। यहाँ इतनी रिस्पेक्ट मिल रखी है सास बहू को तो घर में ऐसा क्यों चल रहा है, समझ नहीं आता। मैं नहीं करूँगा फिर शादी भाई, अगर ऐसे चलेगा ना। बाकी अनुभव भाई ने बोल ही दिया कि भैया शादी मत करना वरना सास बहू की परेशानियाँ रहती हैं। तो फिर मैंने मंदिर देखा और यहाँ पे देख भी लो और पढ़ लेना पॉज करके। पहले जहाँ पे मैं खड़ा हूँ पहले वो व्यू देख लो, ज़बरदस्त बिल्कुल। और ये पूरा यहाँ पे जैनों का मंदिर है, बताते हैं बहुत ही पुराना जैनों का मंदिर और काफ़ी सारी उनकी मूर्तियाँ भी है, पूरा जुड़ता हुआ रहा है। और सिंधिया स्कूल भी यहाँ पे पास है, बताते हैं ग्वालियर पूरा सिंधियाओं का होता होया करता था और आज भी उनका नाम चलता है यहाँ पे। और जो ये फोर्ट की खास बात ये भी थी, मैं बताना भूल गया, जिवेल्तर फोर्ट ऑफ इंडिया है। जब बाबर यहाँ से निकला तो उसने इस फोर्ट को देखा तो इसको एक रत्न किले का नाम दिया उन्होंने। तो ये भी एक अपने में ही बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत बड़ी बात है। और इसके नीचे आप देख सकते हो काफ़ी सारा जंगल और ये सारी चीज़ें भी हैं बनी हुई है पूरा नीचे तक, ये देखो। और वो वे और ये छोटे 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 रास्ते बने, यहाँ पे मंदिर है। भाई साहब कितने साल से लगा रहे हो? 25 साल से यहाँ पे भाई साहब चीले बना रहे हैं और यहाँ पे चीले देख सकते हो बहुत ज़बरदस्त है। और मैंने पैक भी करा लिए हैं और दुकान का नाम भी दिखा देता हूँ आपको, अगर आप ग्वालियर आए और यहाँ पे ना आए तो मज़ा नहीं आएगा आपको। चीले ज़रूर खा के ट्राई करना और कमेंट करके मेरे को बताना ज़रूर। इतना खिला दिया है भाइयों ने, इतना खिला दिया है कि बस मेरे को लग रहा है अब दिल्ली जाके भी एक हफ्ते तक का ब्रेक लेना पड़ेगा भाई। अरे सब कुछ खिलाया भाई, एक एक चीज, जो जो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजें खिलाई है, मतलब मैंने नहीं खाया सच में ऐसा। और भाई अल्टीमेट फूड और घर से लेकर बाहर तक का जबरदस्त खाना। अब कुछ लोग ये भी बोलोगे कि यार अभी इस टाइम में बाहर क्यों खा रहे, तो बाबू ऑप्शन नहीं है हमारे पास, खाना पड़ता है। और भाइयों ने इतना प्यार दिया तो फिर खाएंगे नहीं भाई, क्यों भाई? और आपको कैसा लग रहा है जय पापा की? ये 4 डिसिप्लिन खा चुके हैं, इनके ऊपर बड़ा प्रेशर है लाइफ में, सुना है मैंने अभी थोड़ी देर पहले, एक खबर आई है उड़ती उड़ती व्हाट्सएप इनके मैसेज पे। कुछ नहीं आया भाइयों, कुछ नहीं आया। तो दो भाई हमारे फॉलो करते हैं हमें चैनल पे, तो भाई मैसेज आ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि भाई मिलो मिलो मिलो, तो फाइनली भाइयों से मिल गए। तो भाई क्या नाम है आपका? वासुदेव जी। भाई आपका? अनुराग। अनुराग शुक्ला जी। तो शुक्ला जी और वासुदेव जी साथ में यहाँ पे आए हैं और मिलने। और भाई वीडियो सही लग रही है? हाँ बढ़िया, एक नंबर। तो भाई जो मेरा मोटिव है मैं आप सबको यही बताता हूँ कि जो मोटिव है सर शिवारी का वो यही है, तभी भाई प्यार करते हैं। और भी लोग हैं, काफी सारे लोग मिले भी और अभी मिलेंगे भी शायद। भाई इतनी दूर से आए हैं पीछे से मिलने, 2 दिन से मिल नहीं पाए हम। तो भाई दोनों मिल रहे हैं, तो भाई एक भाई ने डिमांड बोली तो भाई कह रहे हैं कि आपको डायलॉग बड़ा अच्छा लगता है। डायलॉग बहुत अच्छा लगता है। और बाबू क्या हाल है? तो बाबू ये लोग मिलने आए हैं, आपके यार का स्वागत कर रहे हैं यहाँ पे। ग्वालियर का स्वागत है और हमेशा स्वागत है। चलो भाई मैं आता रहूँगा ग्वालियर से। खैर मैं आपको बता देता हूँ, मेरे फादर भी ग्वालियर काफ़ी समय यहाँ पे रहे हैं और मेरे रिलेटिव्स भी बहुत सारे ग्वालियर में रहते हैं। हमारे भाई आए मिलने, बाबू लोग आए हैं और साथ में काजू की बर्फी लाए हैं। और सच बताऊं मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा खुशी भी कह लो और मेरे को अच्छा भी नहीं लग रहा यार भाई ऐसा इतना सब कुछ कर रहे हो। अरे भैया तो विनायक भाई आए हैं हमारे हमसे मिलने और भाई वीडियो सब पसंद है, अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी लगती है और भैया एकदम डाउन टू अर्थ आदमी है और एकदम जेन्युइन काम करते हैं। मैं तो आपसे यही बोलूँगा कि आप इनके वीडियोज़ को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बहुत 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 प्यार दें भैया। अरे भाई थैंक यू सो मच इतना प्यार करने के लिए। तो बाबू लोग इतना प्यार करते हैं ना भाई सच में, मतलब एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है काम करने की। और यार मेरा ज़्यादा मन करता है कि मैं और इतना अच्छा काम करूँ कि शायद आपको मतलब आप मुझे कभी भूलें ना और इतना हमेशा प्यार करते रहे, इतना सपोर्ट करते रहे। तो यार लव यू मेरे भाई, थैंक यू सो मच विनायक भाई इतना सपोर्ट देने के लिए। और काजू की बर्फी खाते हैं अब। अच्छा बात बेटा, इधर देख चला नहीं है, चला नहीं है ना तो कभी इसमें।
ये देखो ये भाई दिखा दी ना भाई, भाई। तो बहुत ज्यादा थक चुके हैं और पूरे दिन सुबह शाम घूमे, खाया पिया, पूरा ग्वालियर चेक कर लिया और मजा आ गया और बहुत ज्यादा थक चुके हैं। अभी जस्ट डिनर किया है, अब सोने जा रहे हैं क्योंकि मॉर्निंग में कल सुबह 4 बजे निकलना है। दिल्ली 12 बजे पहुंचना बहुत जरूरी है क्योंकि माँ का फोन आया है, माँ ने बुलाया है और बुलावा आया है तो जाना पड़ेगा क्योंकि इतने दिन से घर से बाहर निकले हुए हैं। और ग्वालियर के बारे में कुछ चीज़ें ऐसी भी रह गई हैं बताने को, बट मैं फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आऊँगा ज़रूर, बट सिर्फ वो एक व्लॉग बनाऊँगा जो मैं आपको दिखा दूँगा। और बहुत सारी चीज़ें यार आप ज़रूर यहाँ के बारे में पढ़ना, देखो मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जानी, कई बहुत बड़े बड़े इतिहास यहाँ पे लिखे गए हैं। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। सुबह के 5:30 बज गए हैं और आदित्य भाई, अनु भाई और हमारे नमन भाई, हम इनसे बाय बाय करते हैं और फिर मुलाकात करेंगे जल्दी से। चलेंगे आपका मुझसे वेलकम, अगली बार फिर कभी आओ, हमारे का प्यार है। और चल रहे हैं फिर दिल्ली की तरफ निकल रहे हैं, जल्दी निकलना ज़रूरी है क्योंकि कुछ काम है, एयरपोर्ट जाना बहुत ज़रूरी है। चलें ठीक है भाई, फिर ओके ओके, तो निकल चुके हैं हम ग्वालियर से दिल्ली की तरफ और अभी आगरा बस पहुंचने वाले हैं। और आपने जो भी व्लॉग देखा, जैसा भी आपको लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इंस्टाग्राम स्नैपचैट पे फॉलो कर लें सो डेट आपको हमारी लाइव अपडेट्स मिल सके। थैंक यू सो मच गाइस, कीप सपोर्टिंग, टेक केयर। दिल्ली पहुंच गए हम फाइनली थोड़ी देर में।